दोस्तों, अगर आप भी एक शॉर्ट्स के क्रिएटर हो, शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, आगे जाकर शॉर्ट्स से पैसा कमाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से और बिल्कुल बारीकी से देख लेना। आज मैं आपकी आंखों के सामने YouTube चैनल को मोनेटाइज करके दिखाऊंगा, जो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करके शॉर्ट्स से मोनेटाइज होने वाला है। यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा हो चुके हैं और 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको हम मोनेटाइज करके आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, बाद में आपके एडसेंस में एरर आता है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं और मोनेटाइज ऑन ही नहीं होता है, रिपीटेटिव रीयूज कंटेंट आ जाता है, वो सारी चीज़ें और सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में एक एक बारीकी से बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखो। यहां पर मोबाइल की स्क्रीन ऑन करेंगे और वो चीज़ें बताऊंगा जो आज तक आपने इस तरीके से मोनेटाइजेशन करके तरीके को बिल्कुल भी नहीं देखा। बिल्कुल नया है, क्योंकि अभी ये पॉलिसी ऑन हुई है, अभी चालू हुई है, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ये चैनल देख सकते हो, परफेक्ट फैमिली फैक्ट, 13,677 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज कितने हैं वो भी दिखाएंगे। लास्ट 28 दिन में इस पर 7.6 मिलियन व्यूज है, लेकिन हमको यहाँ पर लास्ट के 90 दिन के व्यूज से मतलब है, क्योंकि लास्ट के 90 दिन के व्यूज हैं, उन्हीं से हमारा 10 मिलियन व्यूज काउंट करा जाएगा। अगर आपके मान लो आगे जाकर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर काम करो, 90 दिन में नहीं हो रहे तो उससे आगे हो जाएंगे, बट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको अर्न वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी डैशबोर्ड को, अर्न वाला ऑप्शन है, इस पर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हाउ डू आई ज्वाइन, यानी कि मैं मोनेटाइज कब कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख रखा है 1000 सब्सक्राइबर हो, 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज हो, 2-step वेरिफिकेशन ऑन हो, जो आपने नहीं कर रखा तो कर लेना। इसके बाद में फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसका मतलब है ओनली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक प्रिवेंट यू फ्रॉम अप्लाइंग, यानी आपको रोक सकती है या आपके बाधा उत्पन्न कर सकती है। कौन सी? जो आपके एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, इसके अलावा जो वार्निंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपायरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड कॉपीराइट स्ट्राइक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ से 3 step आते हैं, पहला आता है रिव्यू बेस्ड टर्म, तो स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी आपके सामने, आपको इनको स्क्रॉल करना है, नीचे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये सभी को करनी ही पड़ती है। उसके बाद में एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो इन कंडीशंस को तो पढ़ सकते हो, आपका मन करे जैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो अब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद में सेकंड स्टेप होता है, इसी में बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, गूगल एडसेंस बनाने में, किसके नाम से बनाना है, कौन सा रखना है और एड्रेस कैसे डालना है, मोबाइल नंबर कहाँ डालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलती कर दी आप तो समझ लो आप अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवा पाओगे। स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, ध्यान से समझ लेना ये 3 point। इसमें लिख रखा है यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, अगर आपका पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है किसी मेल से तो यस पर क्लिक करना, नहीं बना हुआ तो क्या कर होगा, नो आई नीड टू क्रिएट वन, आपको नया बनाना है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नया एडसेंस अकाउंट बनाना है, तो नो पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने एक मेल खुलकर आएगी, मेल खुलकर आते ही उसमें से एक मेल सेलेक्ट करनी है, तो नई मेल बना लेना, ठीक है, क्योंकि चैनल की और ये अलग अलग रखना, इससे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो तो दोनों में नुकसान नहीं होगा, एक में ही होगा। उस पर सेलेक्ट करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर योर वेबसाइट यानी आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, ठीक है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन और ईमेल वगैरह आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में सेलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी, तो यहाँ से आपको अपना देश सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, ठीक है, यहाँ से कंट्री और टेरिटरी से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आपके सामने आएगी ये कंडीशंस, ठीक है, तो इनमें से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सभी कंडीशंस को, यहाँ पर टिक कर देना आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है भाई, हम गूगल एडसेंस की इस तरीके से सर्विस है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी, तो एक्सेप्ट कर लेना और क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके सामने ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, पहला वहाँ पर सेलेक्ट कर दें और दूसरा यहाँ पर, तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आपको सेलेक्ट करना है अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल, हमेशा यही गलती करते हैं ज़्यादातर लोग कि बिजनेस कर देते हैं, लेकिन आपको बिजनेस नहीं करना है। उसके बाद में होता है नेम एंड एड्रेस, तो इसमें नेम और एड्रेस में यूट्यूब चैनल का नाम कभी भी नहीं डालना है, इसमें डालना है जिस नाम से आप एडसेंस बनाना चाहते हो, उनका आईडी प्रूफ हो या तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है, और इस तरीके का पासवर्ड वगैरह, और उनकी उम्र क्या हो 18 साल से ऊपर, उनका नाम यहाँ पर डालना है उस डॉक्यूमेंट्स में देखकर, ठीक है। उसके बाद में होता है एड्रेस लाइन,
आपका वो एड्रेस जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप पिन मंगवाना चाहते हो, वहाँ का आपको एड्रेस डालना पड़ेगा पहले में। और जो एड्रेस लाइन टू है, इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब एडसेंस पिन आएगा ना, तो उसमें आपको डाकिया है तो आपको फ़ोन कर देगा उस पर, और उससे आपका पिन आपके घर पर आ जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल करना है, नेम एंड एड्रेस में नाम डालना है, पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, 18 साल से ज्यादा उम्र है, तो मैंने सब कुछ भर दिया, सिटी भर देंगे, फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर भरने का, वो भर देंगे, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया, पॉज करके आप देख लेना सारी चीज़ें। इसमें पिन कोड नंबर भी भर देना है, और स्टेट भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है आपको, सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इंडिविजुअल और आपका नाम का ध्यान रखना है, और एड्रेस का, मोबाइल नंबर का, पिन कोड का, सारी चीज़ें। फिर ये करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट का ऑप्शन आएगा सबमिट करने के बाद, तो आप रिडायरेक्ट पर क्लिक कर दोगे, या ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में देख सकते हो आप सेकंड स्टेप क्या हो गया, इन प्रोग्रेस। अब ये ऑटोमेटिक अंडर उसमें गया है, इन प्रोग्रेस में। अब क्या होगा, आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा 3 से 4 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनता है तो बात अलग है, बट मैं जो तरीका बताया हूँ उससे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी, बन जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हमारा 3 से 4 घंटे में एडसेंस बन गया था, उसके बाद में हमारा चैनल अंडर रिव्यू में चला गया, और फाइनली कुछ टाइम बाद ही 10 से 15 घंटे के अंदर ये मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया। उसके बाद में यहाँ देख सकते हो आप, हमारे 3 स्टेप होती है, तो फर्स्ट वाले में हमने क्लिक करा वॉच पेज ऐड पे, और टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसी में मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आकर, अर्न में आकर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करके इनको एक्सेप्ट करना है, जब भी आपके ऐड शुरू होंगे। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म, इस पर क्लिक करके यहाँ पर फटाफट आपको ये एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर क्या है, जो ऐड बता रहा है कि आपकी वीडियोस पर किस किस टाइप के ऐड चलेंगे, इसको स्क्रॉल करना है ऊपर, और यहाँ पर करना है, नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पर फिनिश लेटर और नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। फिनिश लेटर पर नहीं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ये ऊपर ही रहने देना, ऑल ऑफ माय एग्जिस्टिंग वीडियोस, और मोनेटाइजेशन ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये लास्ट का पार्ट है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अंडर रिव्यू में जाने के बाद, थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद में वापस अर्न में आके ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये ऑल पर कर लिया, लेकिन सीख लो ध्यान से, क्योंकि आगे काम आएगा आपके। फिर है शॉर्ट स्पीड ऐड, यानी सेकंड वाला, इसमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले में किया वैसे की वैसे ही सेम, और यहाँ पर टर्न ऑन पर आपको क्लिक कर देना है। टर्न ऑन पर करोगे, एक्सेप्ट करना है ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, रिव्यू करके जो भी है, और यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर देना। इसमें आपको बताता है कुछ भाई, कितना परसेंट पैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आता है सुपर्स, यानी आप लोगों को सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर स्टिकर देते हैं, ठीक है, और सुपर चैट देते हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको भी एक्टिवेट करना है, जिससे आप लाइव स्ट्रीम करो तो आप अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। यही सब लोग गलती करते हैं, फुल नेम में। फुल नेम में क्या करना है, आपने जिस नाम से एडसेंस बनाया ना, उन्हीं का नाम डालना है, समझ रहे हो ना। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, फुल नेम में वही डालना है जिससे आपने एडसेंस बनाया है, जो नाम एडसेंस में डाला है वो का वो यहाँ पर देना। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, तो ये क्या है, आपके यूट्यूब चैनल की जो मेल है ना, वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है, और कुछ मत डालना, एडसेंस की नहीं, यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। ये बातें ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके रख लो, ताकि आगे काम आ सके, आपको हमेशा काम आएगी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंपनी नेम, इसमें आपके यूट्यूब चैनल का जो नेम है ना, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, कंपनी नेम में यूट्यूब चैनल का नाम, ईमेल में यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी जिससे चैनल बना हुआ है, और उसके नाम में आपको नाम डालना है, ठीक है। ये कंप्लीट कर लोगे, इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। उसके बाद में सबमिट करना है, ठीक है, डन पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट, यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ये भरने के बाद में एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी हम कर देते हैं, उसके बाद में टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। टर्न ऑन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये थोड़ी देर में आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमारे जो तीनों चारों ऑप्शन थे मोनेटाइजेशन सेक्शन में, अर्न वाले में, ठीक है, वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, होम पेज पर मैं दिखा देता हूँ, मैं हमारी वीडियोस पर ग्रीन डॉलर भी शुरू हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो सभी वीडियोस पर ग्रीन डॉलर आ गया, यानी कि सारी वीडियोस मोनेटाइज हो गई है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको कुछ वीडियोस को ओपन करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो सारी की सारी शॉर्ट वीडियोस है, उन पर ऐड शुरू हो गया। अब शॉर्ट्स से जितनी भी अर्निंग होगी वो 1 फरवरी से काउंट होगी, और हर महीने जितना भी व्यूज होगा उसके हिसाब से आपको डिवाइड करके आपके एडसेंस में वो पैसा मिल जाया करेगा। अर्न पर आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी ऑन हो चुकी है। तो आप यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज इस तरीके से कर सकते हो,
आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ये होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा की उम्र हो उसी का आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट रहता तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो, या मुझसे आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप वहाँ आकर मुझे बात करके मेरे इंस्टाग्राम पर जब मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर लो, तो ये ID पासवर्ड देना, किसी को ऐसे बिल्कुल भी मत देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।